आज आजाद जाजा छात्र संघ एवं जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आजा छात्रों को वर्ष 2021 और 2020-22 का एडमिशन डाटा MPTAS स्कॉलरशिप वेबसाइट पर जल्द से जल्द अपलोड कर स्कॉलरशिप एवं आवास भत्ता प्रदान करने की बात कही गई, जिससे आज आजा की छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप के कारण एडमिशन से वंचित न हो सके। कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में ये मांग की गई है कि ST वर्ग के जो छात्र हैं, जो एक साल से परेशान हो रहे हैं, ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं लेकिन शासन प्रशासन उनकी कोई नहीं सुन रहा था। अभी तक उनका पोर्टल शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण उनकी छात्रवृत्ति का भी फॉर्म भरे नहीं हो रहे हैं, आवास योजना की राशि का भी फॉर्म भरा नहीं हो रहा है, जबकि एक साल गुजर चुका है। तो एक तरफ आपने फीस पूरी जमा करा ली लेकिन आप परीक्षा स्कॉलरशिप देने के नाम पर आप पोर्टल शुरू नहीं कर रहे हो, तो पोर्टल को शुरू किया जाए, इस मांग को लेकर के यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। साथ में ये जो छात्रों से जो परीक्षा फीस ली गई है, जब परीक्षाएं नहीं हो रही है और परीक्षा कराने का शुल्क जीरो हो गया है, तो उस फीस को भी वापस करना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में आजा और आजाजा के छात्र उपस्थित रहे। 79 डंपी खान की रिपोर्ट।